हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर पबजी इमुलेटर टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो। तो यार आज की वीडियो मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 पबजी इमुलेटर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो लेट्स गो, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मोबाइल के ऊपर पबजी मोबाइल खेल रहे हो तो यार मोबाइल डिवाइस के ऊपर FPS स्टेबल आ रहे होते हैं, 40 भी आ रहे हो तो स्टेबल आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम इमुलेटर के ऊपर खेलते हैं तो इमुलेटर जो गेम लूप है उसके साथ इशू ये है कि उसके अंदर FPS ड्रॉप्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि जब आप फ्री फायर देते हो तो जो है कि आप अपनी बॉडी को एनिमी के सामने एक्सपोज कर देते हो और एनिमी को जो थोड़ा सा डैमेज पड़ता है लेकिन वो आपको टेक डाउन कर लेता है। तो इसलिए इमुलेटर के ऊपर तुम टीवी पे लेके देखो और फ्री फायर नहीं देना, तुम्हें कोशिश करनी है कि मैक्सिमम बुलेट्स तुम एनिमीज के हेड के ऊपर कनेक्ट करो। कुक ग्रेनेड फॉर्म कवर्स, जब इमुलेटर के ऊपर खेल रहे हो तो वैसे तो मोबाइल के ऊपर भी ऐसे करो, लेकिन जब इमुलेटर के ऊपर खेल रहे हो तो तुमने कोशिश करनी है कि नेट को कवर में या जितने भी थ्रोएबल्स है, मॉल्टा हो गया, स्मोक हो गया, फ्रैग ग्रेनेड हो गया, कवर में रह के कुक करो और बिल्कुल जो है उसे कुक करके थ्रो करो। जब तुम इमुलेटर के ऊपर गेम खेल रहे हो तो गेम की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए लो ग्राफिक्स पे खेलो, कि गेम लुक के ऊपर हाई ग्राफिक्स के ऊपर FPS ड्रॉप बहुत ज्यादा होता है और गेम स्टेबल नहीं चलती। तो जितना जो है लो ग्राफिक्स के ऊपर आ जाओगे गेम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। टिप नंबर 4, प्रोन ऑन लो HP। यार जब हम इमुलेटर के ऊपर खेल रहे होते हैं तो हम इमुलेटर के ऊपर प्रॉपर जिगल नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट मूवमेंट कर सकते हैं लेकिन जिस तरह मोबाइल प्लेयर्स होते हैं प्रॉपर जिगल करते हैं वो जिगल नहीं कर सकते। तो इमुलेटर के ऊपर जब हम लो HP के ऊपर फाइट ले रहे हो या 1v2 क्लच की सिचुएशन है या 1v3 है तो उसमें कोशिश करो एक या दो बंदे डाउन करके प्रोन हो जाओ। प्रोन होना तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। या 1v1 फाइट भी है उसके पास कोई अच्छी गन है तो तुम वहां पे प्रोन हो सकते हो और ये प्रोन होना तुम्हें 60% सिचुएशन में तुम प्रोन होकर जो है फाइट जीत सकते हो। टिप नंबर 5, जब तुम इमुलेटर के ऊपर गेम खेल रहे हो ना तुम लोगों ने कोशिश ये करनी है कि हमेशा जब भी फाइट हो कवर में लो, बेशक किसी घर का कवर हो, किसी पत्थर का कवर हो, ओपन में फाइट ना लो, क्योंकि इमुलेटर के ऊपर ये इशू बहुत ज्यादा है कि भाई थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा होती है। और तो इमुलेटर में इस चीज से बचने के लिए हमेशा जब भी फाइट लो, जब तुम इमुलेटर पे खेल रहे हो तो यार हमेशा कवर में फाइट लो, क्योंकि उसमें होता है कि अगर तुम नॉक हो जाओ तो तुम कवर में बच जाते हो, अदरवाइज ये है कि अगर ओपन में नॉक हो जाओगे तो यार तुम्हें जो है ओपोनेंट जो नॉक करेगा वो फौरन नॉक फिनिश करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए इमुलेटर के ऊपर खेलते हुए हमेशा कवर से फाइट लो, अपने आप को कभी प्रॉपर एक्सपोज मत करो। हमेशा इमुलेटर पे खेलते हुए अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग्स लो रखो, क्योंकि तुम जितनी लो सेंसिटिविटी सेटिंग्स रखोगे उतना ज्यादा तुम्हारे गन का रिकॉल कम होगा। जो मोबाइल प्लेयर्स होते हैं उनके पास एक एडवांटेज होती है कि उनके पास जायरोस्कोप होता है, लेकिन जब हम इमुलेटर के ऊपर खेल रहे होते हैं तो हमारे पास जायरोस्कोप नहीं होता, तो हमने जितना भी रिकॉल कंट्रोल करना होता है माउस से ही करना होता है। तो इसलिए इमुलेटर के ऊपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जितनी लो सेंसिटिविटी होगी आपको रिकॉल कंट्रोल करने में उतनी ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो यस, ये आई बटन के ऊपर लिंक है और वीडियो के एंड पे भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा सेंसिटिविटी सेटिंग्स की वीडियो, तो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।